जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से घर रोशन होते हैं। खुद अंधकार में रहकर हजारों लोगों की जिंदगियों को रोशनी से भरने वाले उस मसीहा का नाम है विश्व रत्न भीमराव अंबेडकर। अगर जीवन में कुछ लेना ही है तो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को लीजिए, क्योंकि आपको तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को हराने की इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष सहा है। उन्हीं के जीवन के एक संघर्ष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब बाबा साहेब 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा हासिल करने गए थे। तब उनकी पत्नी आई रमाबाई के कोक में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। एक दिन आई रमाबाई ने बाबा साहेब को खत लिखना चाहा तो उन्होंने सोचा बाबा साहेब को अपनी तकलीफों का अंबार कैसे बताऊं। आई रमाबाई चिंता में पड़ गई। उस खत में लिखा था, आदरणीय बाबा साहेब, सबसे पहले आपके चरणों में नमस्कार। मेरा खत पढ़कर आप अपने हाथ में की किताब को नीचे मत रखना, पर एक माँ होने के नाते आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब आप अमेरिका में गए तो तब मेरे कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। आपके जाने के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ, पर बाबा साहेब बड़े ही वेदना के साथ आपको बता रही हूँ, अपना लड़का आपसे मिले बगैर ही बिना दवाई और बिना खाने के इस दुनिया से चला गया। 2 साल बाद आप जब वापस आएंगे तो मुझे अपने लड़के के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको कौन सा लड़का दिखाऊंगी, इसलिए मैं अपना दुख इस खत में आपको बता रही हूँ बाबा साहेब। लेकिन खत पढ़ने के बाद अपने हाथ में की किताब आप नीचे मत रखना। तब बाबा साहेब ने अपने आँखों में के आंसू पोंछे और कलम उठाई और रमा आई को खत लिखा, और उस खत में लिखा, वंदनीय रमा, हाथ में की किताब तो मैं नीचे नहीं रखूँगा और इतनी पढ़ाई करूँगा कि भारत देश का कोई भी लड़का इसके बाद बिना दवाई और बिना खाने के बगैर अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाएगा। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, एक अच्छा नागरिक बनने की राह दिखाई और सबसे पहले इंसानियत सिखाई। सभी बाबा साहेब के चाहने वालों को हमारे ऑन मीडिया चैनल की तरफ से जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। अगर आपको लगता है कि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमें बनानी चाहिए, आप उसकी कहानी हमें YouTube और Facebook पर कमेंट कीजिए।